कराने का, जिसका यहाँ पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। गांव के विकास को लेकर के व्यक्तिगत कुछ समस्याएं आई हैं। मैं पूरे मिद्दत के साथ ये कह सकता हूं कि शासन प्रशासन हमारा मुस्तैदी से काम करता है, उनके साथ समन्वय बना करके जो त्वरित निराकरण करने लायक होंगे और जिसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी, उन सब का जो है समय सीमा निर्धारित करके समाधान किया जाएगा। सर, अभी आपने एक गरीब लाचार मजबूर परेशान मरीज को देखा है, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? देखिए, इस तरह का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की बीमारी ना आए। हम उसको देखे, बहुत ही गंभीर समस्या में है वो मनीष बरिया। हम सबसे पहले तो उनका डायलिसिस के लिए तुरंत हम CMHO को फ़ोन लगाए। उन्होंने घर के परिवार के लोगों को कहा 108 डायल करके और भेज करके और उसमें जिला चिकित्सालय पहुंचाने की बात कही है, और उसका जो भी इलाज हो सकता है डायलिसिस से लेकर, हम फिर उसको अभी जानकारी लेंगे और जो आवश्यकता पड़ सकती है हम उसको मदद करेंगे। सर, यहाँ महिलाओं ने चिटफंड कंपनी जो लोन दी है उसके खिलाफ भी आपको आवेदन दिया हुआ है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये जो फर्जी कंपनियाँ लंबे समय से हमारे आदिवासी मंडला जिले में चल रही हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अनुसूचित जिला है, इस तरह की कोई भी फर्जी कंपनियाँ हमारे यहाँ काम नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं ये पिछली सरकार के चलते फली फूली बढ़ी हैं। हम ऐसे कंपनियों का बहिष्कार करते हैं और जो अनावश्यक लोगों को अवैधानिक रूप से अगर वसूलने का काम करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ की महिलाओं ने, माताओं ने मुझे आवेदन दिया, पहले भी अवगत कराई थी, मैंने तुरंत जो है बम्हनी के थाना प्रभारी को बुला करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।